मुझे क्या लेके देंगी आप? इधर तो आना मनोज, इधर आ। मामा मेरी बात सुने, जैसा सुमीना का ड्रेस था ना, मैंने बिल्कुल वैसा लेना है। अरे पहले मुझे तो पसंद आ जाए। मामा आप अपना छोड़ो ना, मेरी तो पार्टी है ना, मुझे तो उसके लिए चाहिए ना, पहले मेरी शॉपिंग कर लेते हैं। सबर कर जा मनोज, सबर कर जा। यहाँ पे लेडीज कलेक्शन किधर है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? मामा मामा उस तरफ है, उस तरफ। किधर? उधर पीछे 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 किधर? आ जाए, मैं आपको दिखाती हूँ मामा, वो सामने। तू रहने दे, तू मुझे बता किधर जाना है। मामा वो पीछे मुड़ के देखो ना, ये दुकानदार यहाँ पे मरे हुए सारे। ओ हेलो चुड़ैल, मजे से यहाँ पोज बना के खड़ी हुई, फोटो शूट हो रहा है तेरा। इधर बता ना हमने किधर जाना है, लेडीज कलेक्शन किधर है? मामा उसको क्यों डांट लियो, चलो ना यार, मैं ये ट्रेसी तो नहीं है जिसको इतना ज्यादा डांट लियो। अच्छा ये हाथ का इशारा कर रही है उधर। हाँ अच्छा मामा चलो चलो, मैं आपको उधर का बता ली थी ना। आ जाए इधर। आ रही हूँ मामा। नाइस मामा, ये तो बहुत प्याले है मामा, मुझे ये पिंक वाला दिला दो ना, ऐसा ही समीना का भी है ना, तो हम चाले पार्टी में एक जैसा ड्रेस पहनेंगे। तू बस दूसरों को कॉपी किया कर मनोज, कभी खुद भी यूनिक चीज पहना कर कि तुझे लोग कॉपी करें। आता है मामा वैसे ये भी एक मुझे, भी ड्रेस यहाँ पे काम की नहीं है। जरा शूज किधर पड़े हुए हैं? मामा वो उधर पीछे है। हाँ ओ वाओ मामा ये तो बहुत प्याले हैं। ये तो सारे मेरी पसंद के हैं यार। मामा मामा ये लेड वाला ले लो आप। तेरे पास पैसे कितने हैं ट्रेसी? मामा मेरे पास तो पैसे नहीं है। बता ना कितने हैं। मामा मुझे आपसे मांगने चाहिए, आप उल्टा मुझसे मांग लियो। मेरे पास नहीं है ना, तुम्हारा बाप देते ही नहीं है। तो मामा पैसे लिए बगैर आप आ गई शॉपिंग करने? हट, मैं तो फिर अपने शूज लेके जाऊंगी, अपना बंदोबस्त कर ली, अपने बाप से मांग ली। सही है मामा, मैं बता रही हूँ मुझे लेड वाले शूज और वो पिंक वाला टॉप चाहिए। ये तो मुझे भी चाहिए, सबर कर। नहीं नहीं मामा ये लेड वाले मैं लूंगी। अबे आगे से हटो ना रे, क्या तुम यार, एक इतने इम्पोर्टेंट काम पे जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ ना, कहीं से क्रैश तो नहीं हो पा रहा ना? हाँ मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन यू नो, इस वजह से बिल्कुल भन ढन के जाना है। एक मिनट, हाँ इधर। ओ ओ ओ शबे करो, यानी उधर सामने ताकि उनको नजर आए कि यार कोई बंदा आया है भाई। भाई ये बहारो, फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अभी तो नहीं आया लेकिन आने वाला है। है इधर कोई मछली खड़ा हुआ यहाँ पे? है इधर कोई चंगर जिसको मैं लूट सकूँ, सॉरी जिसको मैं लुटवा सकूँ? ओए बात सुन, इधर किससे बातें कर रहा है? हवा में बातें कर रहा है? इधर देख बात सुन, बात सुन ना। हाँ बोलो। डैनी अगर मैं तेरे को ज़्यादा नहीं तो एक आध लाख की ऑफर दूँ तो तू क्या मेरा एक छोटा सा काम करेगा? अरे करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बताओ ना। डैनी एक मिनट, इधर साइड पे आ जाएगा। आना है, इधर आना भाई मनोज, इधर आ। 1 लाख रुपया दे रहा हूँ तो क्या सारों को ऊँचा ऊँचा बोल के सिक्किम में बता दूँ? हाँ बात सुन मेरी, उस वो सामने देख रहा है, वो सामने शॉपिंग मॉल, हाँ उधर से आएंगी दो औरतें। कितनी? दो। हाँ तूने एक काम करना है, देख एक्टिंग करनी है बस, तेरा 1 लाख रुपया तुझे पहुँच जाएगा। जैसे ही निकलेंगी ना उनसे तूने सबसे पहले बैग खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है? ज़्यादा तेज भागना नहीं है, बस बैग खींचना है और हाथ नहीं उठाना, सिर्फ बैग खींच। हाथ उठाना तो कसम से मैं तेरे को यहाँ से दुनिया से उठा दूँगा। बस बैग खींचना है और खींच के कोशिश करनी है भागने की। अच्छा बस इतना सा काम? अबे इतना तेज भी ना भागी, आगे भी सुन, ये ना तुझे मैं पकड़ ही ना सकूँ, हैं? पता चले तू मेरी नज़रों से ओला हो जाए, बैग लेके ही निकल जाए तू। लेकिन बात सुन मेरी, जैसे ही बैग पकड़ के निकलेगा ना तो मैं तुझे पकड़ लूँगा, सही है? कोशिश ये करनी है तू मेरे हाथ में आ जाए, ज़्यादा जिद ना करें, ठीक है ना? हाँ ये ना हो कि तू उल्टा मेरे को ही मार के निकल जाए, सही है? नहीं ऐसा कैसे, लेकिन आप मुझे मारेंगे क्या? अबे थोड़ी दो चार लाटे खा ली ना, थोड़ी चपेड़े मारूंगा तेरे मुंह पे रख के, कानों के नीचे लगाऊंगा तुझे, हैं? उनके सामने यार 1 लाख का सवाल है।
अरे मैं नहीं खाता आपसे मार। अबे एक लाख दूंगा ना पूरा, चल 1,10,000 रुपया दूंगा, ठीक है? थोड़ी सी मार खा ले यार, बाद में तेरे से बैग लेके ना, फिर मैं उनको वापस कर दूंगा, तू अपने काम निकल ली, मैं तुझे बाद में पकड़ के पैसे दे दूंगा। आप अगर बाद में हाथ ना आए तो। अबे मैं कहीं नहीं भाग रहा, अभी तुझे दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? चल रेडी रह, ठीक है ना? सर समझाया वैसा करेगा ना? हाँ ठीक है, मसला नहीं है। रेडी नहीं है, रेडी मैं इधर साइड कोने पे खड़ा होता हूँ। ओए भागी ना, अच्छा जो समझाया वैसा होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, ओके। अब ये यार काम कर दे तो। अबे मेरे पीछे किधर आ रहा है तू पागल? इधर साइड पे कहीं खड़ा हो जाए, बस दोस्तों के साथ जैसी बाहर आएंगी तब एक्शन में आई हैं, समझ गया? अच्छा ठीक है फिर, जमा हो जा। ओके पता नहीं कब आएंगी, इनकी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है। अबे आए तो मैं यार, महंगा आए तो मेरा अरमान पूरा हो जाए, मैं उसको काफ़ी काफ़ी चाय पिलाने ले जाऊँ कहीं रेस्टोरेंट में, कसम से मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। और मैं उसके सामने एक दफ़ा हीरो बन जाऊँ कसम से, और माइकल को पता चल जाए इस बात का। उफ उफ उफ। हाँ चल पे पैसे काट, तेरा अभी तक पोज ही ख़त्म नहीं हो रहा, पैसे काट जल्दी, कितने बने हैं? मामा आप तो इसको ऐसे डांट रही हैं जैसे बंदा कहते हैं आपकी कोई पुरानी सहेली होती है। बेटा यहाँ पे हम कोई फ्री का माल नहीं उठाने आए, ठीक है ना? पैसे दे के जाएंगे इनको, समझ आइए। लेकिन मामा अच्छा तो नहीं लगता है ना इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रही है, जैसे बंदा पड़ोसियों के साथ लड़ता है। तो उसकी माँ बंद बन, ठीक है ना? अच्छा अच्छा मामा जल्दी करो ना जाल, पैसे दो जल्दी करो। कितने बने अभी बता ना, बोल कितने? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरी तरफ से 10,00,000 काट पूरे, ये ले काट। ट्रेसी काट, तेरे बाप क्या उसको ना बताई, ठीक है? उसके रूम से चुराया है। मामा मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप खुद ही बता देती हो बाद में। मेरा दिमाग ख़राब है, इतनी 10,00,000 की शॉपिंग करूंगी तो मैं क्या बताऊंगी उसको? चल भी मामा, आप पेट की बहुत ज़्यादा हल्की हैं, आप बता देती हैं, खुद ही मुझे बोल के वो खुद बता देती हैं। तूने अगर अपनी ज़ुबान खोली ना तो तेरी ज़ुबान जैसे पहले बंद थी ना वैसे ही हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। अरे अरे मामा मुझसे मत लड़ो यार, जल्दी करो। काट लिए पैसे के नहीं? हाँ ठीक है, चल चलो ट्रेसी। ओके मामा चलो। मामा अब खाना भी क्या बाहर खाएंगे? अबे तेरा पापा आ जाएगा घर में, जल्दी आ। खाना खा के चलते हैं ना, अब डैडी को तो पता चलना है तो चल जाएगा। बता पागल वागल तो नहीं होगी है? कितना टाइम हो गया तुझे पता भी है? मामा इतना टाइम नहीं हुआ, चलो ना जाओ। टाइम हो गया, चला जाओ। ओह माय गॉड, अरे अरे ये कौन है? पीछे हट, पीछे हट। अरे पीछे हट, कौन है ये? ऋषि ऋषि पीछे हो, पीछे हो, मैं इसको देखती हूं। अरे हमारे से तो लेके जाएगा तू, लेके जाएगा तू। अबे 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 क्या कर रहे? हट 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 हट, को मार रही है। पीछे हट, कौन है बेटू? पीछे हट, बैग दे ये मुझे, बैग दे इसका, बैग दे। देता कि नहीं? आगे से हटो। ए अबे बैग दे इसका, मेरा बैग, मेरा बैग, बैग देता कि नहीं? हैं बैग देता कि नहीं? बे इधर दे बैग, मुझे बैग चाहिए। ओए ओए किधर? किस किसको मार रहे हैं? किसको मार रहे हैं? किसको मार रहे? इधर साइड पे मेरे से डरना, हिम्मत है तो मर्दों से डरना, औरतों पे हाथ उठाते हैं। आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, मैं आपको आपका बैग दे दूंगा। मुझे मेरा बैग चाहिए। ओए किधर किधर? इधर है अभी, इधर आ साइड पे यार, तुझे मैं बताता हूँ। बैग दे मुझे, बैग देता कि नहीं? देता है कि नहीं? अबे दे भी दे, बस करना बे। ओए दे दूंगा बैग, दे दूंगा। अबे बेटा तेरे पैसे पूरे हो गए, दे दे मुझे, दे बैग, बैग दे, दे बैग, दे बैग, बैग दे मुझे। देता कि नहीं? देता कि नहीं? हाँ ले लो, ले लो बैग, ले लो, ले लो। चले हट, दफा हो यहाँ से। बस 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 बस, ले लो बैग, ले लो। चपल काट दूँ मैं, पूरे डंडा मार दूंगा। और बात सुन मेरी। जी जी। कुछ ज़्यादा नहीं तुमने ओवर एक्टिंग कर ली भी हैं? कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर ली? तेरे पूरे 10,000 रुपये मैं काट दूंगा, ठीक है ना? बल्कि पूरे 5 रुपये तेरे ओवर एक्टिंग के काटूंगा। इधर आ, इधर आप माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। अच्छा माफ़ी मांग, मैं नहीं मांगता।
मैं माफ़ी मांग उसे पागल, माफ़ी मांग। मैं क्यों मांगू, माफ़ी मांगनी है तो 20,000 और दो। अबे अच्छा अच्छा माफ़ी मांग, इधर आ इधर आ, ऐसा करेगा इधर आ। ए बात सुने, हेलो बात सुने, मेरा बैग, मेरा बैग, मेरे शूज, मेरे नए शूज, मेरे नए। आपके बैग को कुछ भी नहीं हुआ और ना ही आपके शूजों को कुछ हुआ है, मैंने वापस ले ली है। इधर आए ना, ये देखें, ये आपसे माफ़ी भी मांगेगा। इधर आ मनोज, माफ़ी मांग। जी मुझे माफ़ कर दें। ये देख, ये देखो, ये देखें, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। कौन, माफ़ी से क्या होता है, मुझे मेरे शूज चाहिए मामा, मेरे बैग निकल गए मामा। आपके शूजों को कुछ भी नहीं हुआ है ना। एक मिनट, चल निकल जा, निकल जा इधर से, दफा हो जा, दोबारा मुझे तू नजर ना आए तू मुझे, ठीक है, दफा हो जा यहाँ से। क्या इसमें मेरे शूज सलामत आ रहे? अरे आपको तो, अरे ये तो डेविड अंकल है मामा, हमें डेविड अंकल ने बचा लिया है। क्या, मैं वही सोच रही थी आपको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने पहचान लिया इनको मामा, मैंने पहचान लिया इनको। हाँ हाँ मैंने सुन लिया, तुमने मुझे पहचान लिया बेटी, मैंने सुन लिया। डेविड अंकल आप कैसे हैं, आप किधर आ गए थे, हमें बचा लिया आपने आज। हाँ मैं ठीक हूँ, आपने भी पहचाना मुझे? हाँ मैंने आपको पहचान लिया। क्या मेरे शूज सलामत है? अरे शूज सलामत है आपकी, टेंशन मत लें, कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसे बेईमान ऐसे होते हैं ना, आप रात को उस वक्त मत निकला करें। ये तो शुक्र करें मैं आ गई हूँ अपनी लैंड क्रूजर में, वो जो कोने पे खड़ी हुई है ब्राउन कलर की, मेरी लैंड क्रूजर है वो, पता है आपको। शुक्र है अंतर आपने बचा लिया, आप ना होते तो हम क्या करते, हम तो आज मर जाते, वो तो हमें मार देता। अरे बेटा हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, हम हैं तो क्या गम है। अच्छा क्या नाम है आपका, आपका नाम अमेंडा है ना? हाँ मेरा नाम अमेंडा, आपको कैसे याद है? मैं भूला ही कब था, मेरा मतलब माइकल से काफ़ी मेरी जान पहचान है ना, दोस्त है मेरा, तो अब जारी बात है उसकी फैमिली मेरी फैमिली, तो आप ठीक है ना, आपको लगी तो नहीं है ना, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ आपको? नहीं मैं बच गई हूँ, शुक्र है मेरे मेरे शूज़ और मेरे कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपने आज वाकई हमारी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। अरे आपने अगर थैंक यू ही बोलना है तो मेरे शायद काफ़ी पे चल लें, तो वो थैंक यू आपका पूरा हो जाएगा। अभी इस वक्त? हाँ मतलब 10 मिनट, 5-10 मिनट लगेंगे, ये करीब ही है यहाँ पे ये शॉप। ट्रेसी को भी ना, ट्रेसी को भी जो है ना अभी मतलब थकावट हुई होगी बेचारी, क्यों तलब हो रही है तुम्हें चाय की ट्रेसी? अंकल मैं तो यही कह रही थी मामा को, मैंने बोला चलो कहीं खाना खाते हैं, लेकिन कॉफ़ी भी चलेगी। हाँ ये हुई ना बात, इसे करते हैं कमिटमेंट। अमेंडा जी, अमेंडा जी चलें फिर? चलें अगर आपने हमारी जान भी बचाई है तो, लेकिन प्लीज़ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। अरे 10 मिनट नहीं तो 11 मिनट हो जाएंगे, आई तो ठीक ना, बैठे तो ठीक ना, आप लैंड क्रूजर में बैठेंगे भूल जाएंगे, रात के 1 बज जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत स्पेशल गाड़ी है ये मेरी, मैं बहुत कम यूज करता हूँ। अरे ट्रेसी बेटा मम्मा को आगे बैठने देती, आप आगे बैठ जाती? नहीं अंदर, मैं अंदर ही बैठूँगी, मैं हमेशा फ्रंट सीट पर बैठती हूँ। अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खैर चलो चलते हैं। अच्छा तो क्या नाम है, आपने क्या क्या किया आज शॉपिंग? बस ज़्यादा नहीं, 10 लाख की है। 10 लाख की? अच्छा अच्छा वैसे ना मतलब मैं ना क्या नाम है, अक्सर ना मतलब ईद जब आती है ना तो 50-1 लाख की मैं ऐसे ही अपने शूज और कपड़े ले लेता हूँ बस। क्या 50 लाख के? हाँ वैसे आप इस वक्त रात को क्या इधर कर रहे थे? अरे मैं भी लेने ही आया था, शॉपिंग ही करने आया था, एक्चुअली मेरा बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो कुछ खरीद ही लेते हैं अपने लिए, जब भी मैं बोर होता हूँ ना वह शॉपिंग में चला जाता हूँ, 1 करोड़ रुपये की शॉपिंग ऐसे ही कर जाता हूँ। अच्छा वाह नाइस, अभी और कितना दूर जा रहे हैं? ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बस ये अपना दुबई जा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर, इधर ही करीब ही है, इधर ही कॉफ़ी शॉप है मेरी फेवरेट, वहाँ बैठ के चाय पीते हैं, ठीक है? कॉफ़ी शॉप में चाय? अरे आपने जो दिल कितना हुआ पी लेना है, कॉफ़ी पी लेना, चाय पी लेना, जो दिल हुआ पी लेना। अंतल आप हमारे घर कब आएंगे? अब तो बेटा एक ही दफ़ा आऊँगा बजाज लेके। क्या
क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब एक ही दफ़ा आऊँगा, मतलब कि फुल तैयारी के साथ, यानी कि गिफ्ट लेके आऊँगा ना माइकल के लिए आपके लिए, तो इसका आना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा ये वैसे मेरी ना फेवरेट जगह है, जब भी मैं उदास होता हूँ ना यहाँ पे आके कॉफ़ी पीता हूँ। वैसे आपको कॉफ़ी कैसी लगी अमेंडा जी? मुझे तो चाय थी आपने। हाँ आपने खुद बोला था चाय, तो चाय कैसी है अमेंडा जी? हाँ अच्छी है, बस बेहतर है। नहीं मामा सिर्फ अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, अंदर बहुत अच्छी कॉफ़ी है, मैं तो कॉफ़ी पी ली हूँ। हाँ ट्रेसी को पता है यार, ट्रेसी समझ जाती है सब। माशाल्लाह ट्रेसी बेटा, तुमने तुम्हारा जब दिल करे कॉफ़ी पीने का, मैं तुम्हें यहाँ ले आया करूँगा, ठीक है ना जी? अंतल अगले महीने ना हमारी पार्टी है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मामा भी आएंगी, आप आएंगी हमारी यूनिवर्सिटी? बस कर चो ट्रेसी, बस कर चो, अभी हम लेट हो रहे हैं, ठीक है? और अभी हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ मैं छोड़ दूँगा ना आपको। मुझे टेंशन हो रही है हमारी गाड़ी कोई चोरी ना कर ले वहाँ से। आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, चोरी होगी तो मैं उसे अच्छी गाड़ी दिला दूंगा। नहीं एक मिनट अंकल, मामा झूठ बोल रही है, वो गाड़ी जो है वो मामा की नहीं है, वो गाड़ी मेरी है, मुझे डैडी ने दी है, वो गिफ्ट की थी मुझे डैडी ने। अच्छा जी बेटा, अच्छा डैडी ने आपको गिफ्ट की थी? मेरी वो गाड़ी वो मेरी है। आपके डैडी को और कोई गाड़ी नहीं मिली, इतनी सस्ती गाड़ी उसने गिफ्ट कर दी? नहीं अंदर वो गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे बेटा तुम्हें क्या पता, आजकल मार्केट में कैसी कैसी लेडीज कार आई हुई हैं कस्टम से, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी एडवांस। बस ठीक है, हमारे लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है, और अभी हमें छोड़ के आ जाओ जल्दी से। हाँ मैं बस मेरी भी ख़त्म हो गई है काफ़ी। वैसे अमेंडा जी एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे। हाँ बोलो। अमेंडा जी आई एम सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन माइकल जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ वो तो काफ़ी टंग ड्रेन का आदमी है, तो उसने कैसे मतलब आपको अलाउ कर दिया वो भी रात को अकेले शॉपिंग के लिए? वो तो बेचारा बिजनेस में फंसा रहता है, अपने काम काजों से उसको फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने बस वो भी इस वक्त घर में नहीं थे, तो अच्छा मौका था, तो मैंने कहा कर लेती हूँ, और वैसे भी शायद उसको मैं बता दूँगी जाकर। हाँ मेरी माने तो बट्टी बताएं, वरना गुस्सा करेगा बेचारा, क्योंकि काफ़ी मतलब छोटी सोच नहीं मतलब बिजी रहता है ना बेचारा, तो उसके लिए टाइम नहीं होगा। वो छोड़िए, अब वो हमारा मसला है, अब अभी हम छोड़ रहे प्लीज़। हाँ बैठ हो गया, छोड़ रहता हूँ। चलिए आ जाए मैनेजर जी, वाकई में काफ़ी लेट हो गई, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाएंगे। यार मामा वो गलबाइल आए हुए, तो चलो ना यार आइसक्रीम भी खा लेते हैं। अनुज तुम्हें मैं कसम से मार दूंगी, यहाँ पानी में फेंक के चली जाऊंगी, पहले इतने लेट हो गए हैं। वो भाई मामा कितनी ज़्यादा कंजूस हो यार। आई जे मैंने जी, ट्रेसी क्या बोल रही थी? अच्छा शुक्र है ट्रेसी तुम पीछे बैठ गई, बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत मज़ेदार समझदार हो तुम। वैसे क्या बोल रही थी ट्रेसी? कुछ नहीं, आप गाड़ी चला लो अभी प्लीज़। हाँ गाड़ी तो चलानी है ना, और क्या मैंने उड़ानी है, गाड़ी तो चलाऊंगा ही ना, ये देखें गाड़ी चल रही है। वैसे आपको अच्छा लगा आज आउटिंग पे आके मेरे साथ, मेरा मतलब कॉफ़ी पी के अच्छा लगा आपको? बस ठीक है, अच्छा लगा। मेरे बैग्स तो पड़े हुए हैं ना, देखना आदमी ने मत दे देना आगे। अरे बाहर में जाए पूरी दुनिया रे, आज तो मैं हवाओं में हूँ, आसमान के ऊपर हूँ आज मैं। आराम से सही सलामत पहुँचने। हाँ और टेंशन मत लें अंदर, फास्ट ड्राइव करें। हाँ बेटा फास्ट ड्राइव करूँ, लेकिन तुम्हारी मामा जो रोना डाल देती हैं। अंदर मामा को तो डर लगता है, उनको गाली भी सही चलानी नहीं आती। अच्छा जी। अमेंडा जी मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा सकता हूँ अगर आप कहें तो। मुझे आती है गाड़ी चलाना, तुम अपनी पहले ड्राइविंग देखो। हे तुम माशाल्लाह तुम कह रही हैं आप मुझे, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। तुम ट्रेसी हम पहले इतने लेट हो चुके थे, ऊपर से तुम उसको कह रही थी कि आइसक्रीम खानी है, शर्म नहीं आती है तुम्हें ट्रेसी? तो मामा मैं क्या गलती, आप तो खिलाती नहीं है, पहले भी बोला था मैंने कहा बाल से खाना खा लेते हैं। हाँ जिंदगी में तुम्हें कभी आइसक्रीम खाई नहीं है ना, अभी अगर तुम्हारा बाप आगे आया हुआ ना तो उसने हमें जिंदा गाड़ देना है। इतने लेट हो गई है। कुछ भी नहीं होता मामा, डले मत, डर नहीं रही हूँ मैं, नहीं डर रही, लेकिन वो तुम्हें पता तो है उसके एटीट्यूड का कैसा आदमी है वो। मामा
वो देख पूरी सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, मतलब माइकल माइकल घर आ गया। यानी कि मामा डैडी तो घर ले। तू मजे ले ले, डैडी कर रहे तो। मामा वो मुझे तो कुछ भी नहीं कहते, आपको पता है। पुत्र तेरी तो मैं शादी जल्दी कराऊंगी। हां क्या क्या मामा क्या बोल रही है? ये गाड़ी यार मामा गाली तो अंदर खड़ी करो ना, बाहर खड़ी करती है गाली। अरे तेरी खड़ी रहे, बाद में कर देना, सुबह फोन लेके जाएगा मामा। यार ओ शिट माय गॉड, माइकल तो आगे खड़े हो गए। अभी ट्रिसी ट्रिसी की तरह। ओ मामा ये तो डैडी खड़े हुए हैं। हाँ मुझे नजर आ रहा है डैडी खड़े हुए हैं तेरे। चले चले मामा अब चले। माइकल माइकल तुम आ गए घर? हाँ मैं तो आ गया था, लेकिन तो माइकल तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? हाँ क्या ये सवाल तुम्हारा करना बनता है मेंडा? मेरा मतलब कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? डैडी डैडी हम लोग शॉपिंग करके आए हैं, हमने आज बहुत सारी शॉपिंग की है। शॉपिंग की है तो बैग किधर है तुम लोगों के? ओ मामा मामा बैग तो गाली में आपने निकाल लेनी है। हाँ हाँ वो निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं वो। माइकल रास्ता छोड़ो, हम रूम पे जाएं, थक गए हैं। डैडी आपको एक बात बताऊं? डैडी हमने ना कॉफी पी लिया। ट्रेसी क्या चुप, क्या हो गया मामा, क्या हो गया आपको? क्या कह रही है ट्रेसी? कि पागल हुई है वो, क्या नाम है वहाँ पे, इसने शॉपिंग मॉल भी कॉफ़ी पी थी ना, तो इस उसकी बात कर रही है। मुझे बताए बगैर शॉपिंग मॉल इस टाइम क्यों गए तुम दोनों? तुम बाहर थे ना। तो इतनी भी क्या इमरजेंसी थी, क्या ज़रूरी काम था? डैडी मेरी पार्टी थी ना, तो हम मुझे कपड़े चाहिए थे, तो मामा ने मुझे कपड़े दिलाने थे। हाँ ट्रेसी की पार्टी थी कल तो यूनिवर्सिटी में। उसको तो छुट्टियाँ हुई हुई हैं भाई। हाँ लेकिन उसकी टीचर का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी कल पार्टी है। अच्छा तो मुझे एक कॉल भी नहीं की? मैं करने वाली थी लेकिन ट्रेसी ने ज़िद लगा दी थी कि अभी चलो है ना ट्रेसी। लेकिन मामा मैंने आपको बोला था कि डैडी को बता नहीं, दो। नहीं तुमने नहीं बोला था। अच्छा मैंने नहीं बोला था। अमेंडा इधर देखो। हाँ माइकल देख तो रही हूँ। आज तो तुम लोग लेट आ गए हो, लेकिन आइंदा के बाद ये टाइम पर तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? और तुम बाहर सिक्योरिटी देख रही हो कितनी है, तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए अब तक कि हम लोग हाई अलर्ट हैं। ये इस वक्त हमारा बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ठीक है? तो मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे शाम 6 बजे के बाद कोई बंदा बाहर नज़र ना आए घर से। हाँ ठीक है, लेकिन सब खैरियत है? खैरियत है या नहीं है, जो मैंने बता दिया है तो उसको बस फॉलो करो, ठीक है? आज तो चलो ठीक है, पर कल से प्लीज़ अमेंडा, ट्रेसी तो बच्ची है लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। अच्छा ना माइकल ठीक है, आई एम सॉरी। जाओ अभी, मैंने कल सुबह शोरूम में जाना है, रेस्ट करो। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। उफ मुझे पता था ये मनोज आगे खड़ा होगा तो ये सो सवाल करेगा मुझसे। ओके तो यार शोरूम की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या चेंज किया मैंने शोरूम में, ठीक है? और काशिफ इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ है, तो काशिफ को मैंने अपने साथ इसीलिए रखा है कि यार थोड़ी बहुत सेफ्टी होनी चाहिए। वैसे तो मेरे पर्सनल गार्ड्स मैंने ऑलरेडी हायर कर लिए हैं जो मेरे शोरूम में हैं, तो इस दफ़ा ना हाई सिक्योरिटी हायर की है, मतलब कि जो जिसे कहते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स सिक्योरिटी। मैक्स में नहीं, सिर्फ अल्ट्रा प्रो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैक्स जो होगी ना वो फिर ओवर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो बहुत एक्सपेंसिव स्पेनिश सोल्जर होते हैं जिनको मंगवाने के लिए अच्छी खासी जो है ना उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने सिक्योरिटी मंगवाई है वो भी किसी से कम नहीं है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मैं यकीन तौर पे कह सकता हूँ कि भाई मेरे शोरूम पे कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती है, ठीक है? तो चिड़ियाँ ही पर मारेंगी अगर मारेंगी तो, अदरवाइज़ कोई दूसरा दुश्मन जो है पाँव नहीं रख सकता, ना ही पीछे से ना ही आगे से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी फ्रंट वॉल चेक करो जो कि पूरी कवर कर दी है लोहे से, ठीक है ना, मतलब एक बैरियर बना दी है ताकि जो पैदल चलने वाले भी हैं वो भी यहाँ से गुजर ना सकें। पहले तो यहाँ पे सिर्फ घास थी, फिर इसके अलावा यहाँ से भी मैंने इसको कवर करा दिया है, ये चेक करो।
ताकि जो चलने वाले लोग हैं वो अरे गरे यहाँ से गुजरे ना फजूल में। फिर फ्रंट पे एक यार अपनी यहाँ पे एक डाला खड़ा हुआ है, ठीक है, हाई लेवल का। मेरा इसमें से पर्सनल कुछ भी नहीं है, सब रेंट का है, बट इसका पेमेंट तो यार मंथली करनी पड़ेगी। और इन सोल्जर्स का, ये जो सोल्जर हाई लेवल के मंगवाए हुए हैं, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको याद होगा ये वही ब्लैक ऑप्स हैं जो कि लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो सुल्तान के टाइम या फिर आपको याद हो बॉस के टाइम, यही सोल्जर बॉस ने रखे हुए थे, जो बहुत पुराना मेरा एक दुश्मन था। बट ये बहुत हाई लेवल इनकी डिमांड, मतलब बहुत हाई डिमांड है इनकी, इनको टेक केयर करना पड़ता है। तो और फिर ये आपका टेक केयर करते हैं, ये फिर आपकी लिए जान भी देते हैं। तो यहाँ पर कोई एक्सट्रीम लेवल की, यहाँ पर मेरे ख्याल साकिब ने खड़े कर दिए सोल्जर, आई थिंक इसने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे हर तरफ। पीछे देखता हूँ क्या शोरूम की हालात हैं, हालात तो यहाँ पर भी एक ये डाला खड़ा हुआ है, और पीछे भी रास्ता देखो बंद है। तो यहाँ से भी मतलब कस्टमर का आना जाना बिल्कुल बंद किया हुआ है फ़िलहाल के तौर पे। और दूसरा, अच्छा अभी ये जो कस्टमर आ रहा है ना, इसकी चेकिंग हो रही है प्रॉपर, ये चेक होके ही इंटर होगा, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद ही इनको आगे जाने की इजाज़त है। तो खैर इनको यहाँ पर अब जगह जगह रोकना भी अच्छा नहीं है, तो अभी हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फौजीज़ ने काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पे खड़े कर दिए, जो कि बाद में मैं इनकी पोजीशंस चेंज कर दूँगा। तो यहाँ से भी जो है वो बंद किया हुआ रास्ता, और ये पीछे से भी रास्ता जो है वो ये देख लें बंद किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो अब होपफुली डेविड या कोई भी मतलब कि किसी भी मकसद से आएगा तो पहले 100 बार सोचेगा कि भाई यहाँ पर कदम रखें कि ना रखें, सही है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे मेरे पास, मैं अभी वही प्रियस चला रहा हूँ बेचारा, लेकिन प्रियस गाड़ी ही मेरे पास इस वक्त ऑप्शन था, क्योंकि मैंने मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ थी, इवन जो मेरी फॉर्च्यूनर्स थी वो भी मैंने मतलब कि जो काशिफ है, काशिफ को मैंने बोला था कि यार वो फॉर्च्यूनर भी यहाँ से गायब करा, और जितनी ज़्यादा यहाँ से सेविंग करके इन सोल्जर्स में मैं पैसा लगा सकूँ, इन पर इन्वेस्ट कर सकूँ, मैंने कर दिया। तो फ़िलहाल आप जो अंदर देख रहे हो शोरूम पूरा खाली पड़ा हुआ है, वो इस वजह से कि सारी लैंड क्रूज़र डेविड की सेल आउट कर दी हैं, और उसी पैसे से ये मैंने सोल्जर्स हायर किए हैं, और इन्होंने अब उस हिसाब से अपनी गाड़ियाँ और गन्स, अपने वेपन्स मतलब के लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, वो ये होगा कि शिपमेंट। अब क्योंकि शोरूम को रन कर रहे हैं, शोरूम को हमने इतना सेफ किया, तो फिर इसको रन भी तो करना है ना। टोयोटा की मंगवाती है ना साकी भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अबे यार ये तो माँ को भी बताएंगे ना कौन सी मंगवानी है, तू अपना पहले डिसाइड कर दिया कर। क्या हो रहा है जिमी और साकिब, क्या कर रहे हो? ओ कुछ नहीं माँ को भाई, आप बताओ। सिक्योरिटी आपने देखी? हाँ हाँ मैंने देखी है यार सिक्योरिटी, तूने मतलब कि अच्छे सोल्जर मंगवा लिए हैं, लेकिन इनकी पोजीशन शायद तूने ना प्रॉपर रखी नहीं, एडजस्ट नहीं की। पापा यही तो मैं साकिब भाई को बता रहा था कि यार इनको आपने सारे फ्रंट गेट पर खड़े कर दिए, इनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो चारों तरफ। माँ को भी अच्छे खासे सोल्जर आए हैं, पैसा अब लगाया तो फिर यार देख, पैसा तो लगाया लेकिन अब इसमें से ना मैं शायद 3 के 4 सोल्जर घर में भी लेके जाऊंगा, वहाँ भी हिफाजत करनी है। और दूसरा, ताजी से तूने कांटेक्ट किया कि नहीं किया? हाँ हाँ माँ को भाई सुबह उसका क्या कहते खालिद, हाँ खालिद का फ़ोन आया था, कह रहा था कि हम शायद दोबारा चक्कर लगाएं, एक चक्कर मारा और लगेगा। नहीं नहीं तो पेमेंट की बता ना, पेमेंट का क्या कह रहे हैं कि अगली कब आएगी हमारी पेमेंट? वो माँ को भाई वही खालिद को मैंने पूछा था, तो कह रहा था खालिद के 23 या 24 तारीख को हम पे कर देंगे, मतलब कि जो आपकी अगली बन रही है ना 20 का उन्होंने बोला हुआ था। हाँ मैंने पूछा भी था माँ को भी, लेकिन कह रहा था 24 तारीख तक हम कर देंगे पेमेंट। फॉलो अप करता नहीं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा ढील नहीं देनी है, पैसा लगाया हुआ हमने और अभी हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। पापा मैं ये भी बता रहा था कि भैया कि अगली शिपमेंट कौन सी आनी चाहिए। पापा पैसा वही कह रहा ना, उनकी तरफ से आए अपना ताजी लोगों की तरफ से, तो फिर शिपमेंट में लगाएं यार। और शिपमेंट तो बेहतर है कि भाई हम कमेंट में पूछ ही लें सबसे कि यार हमारी अब शिपमेंट कौन सी आनी चाहिए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यार कि हम जो हैं वो यहाँ पर सेफली शिपमेंट भी ला सकते हैं, और सेफली हम जो है शोरूम को रन कर सकते हैं, बिकॉज़ सोल्जर काफ़ी तगड़े हैं, और यहाँ पर शायद ही कोई सोचे यहाँ पर हमला करने का, वार करने का। जी मखोबी उस तरफ से आप बेगम हो, जो आप सिर्फ अपना कारोबार देखना, बिजनेस देखना मखोबी, वही तो कह रहा हूँ। क्यों काशिफ, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी सर, ठीक है सर, हाँ गुड है। तो यार कमेंट में भी बताओ कौन सी शिपमेंट आनी चाहिए, तो जैसी ताजी पैसा देता है ना, फिर इंशाल्लाह यार आपका भाई प्रॉपर से शिपमेंट लेकर आता है। सिर्फ एक गाड़ी की मत बताओ कि भाई एक ही गाड़ी की जो आप सारी जो है ना वो गाड़ियों की कलेक्शन ले आओ, लेकिन आप डिफरेंट बता सकते हो, डिफरेंट ब्रांड नेम बता सकते हो, डिफरेंट गाड़ियों की कलेक्शन बता सकते हो, तो फिर हम उसको अपनी नेक्स्ट शिपमेंट में लेकर आएँ। लेकिन वो वाली गाड़ी बतानी है जो रनिंग आइटम हो,
जो मतलब के जैसे लैंड क्रूज़र इस डेविड की हमने सेल आउट की है ना डिस्काउंट लगा के, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हमें हुआ है, और ऐसी गाड़ी हो जो मतलब कि मार्केट में आती ही निकल जाए, बट इतनी महंगी भी ना हो, क्योंकि अब ज़ाहरी बात है जो ताजी पैसा देगा उस पैसे में से मैंने कुछ शिपमेंट भी एडजस्ट करनी है और कुछ मतलब और भी मेरे रोले टप्पे हैं। सो आप थोड़ा ऐसी शिपमेंट सजेस्ट करना जिसमें मतलब कि मुझे प्रॉफिट भी हो और गाड़ियाँ भी जल्द अज जल्द हमारी सेल आउट हो जाएँ। तो पापा यार आप अपनी गाड़ी का भी तो कुछ करें, आप क्या प्रियस ही रखेंगे? अपनी गाड़ी का यार मैं प्रियस माँ को भाई क्या हो गया भी, आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यार रख लेंगे, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा ना मतलब शिपमेंट की तरफ ध्यान दे, उससे थोड़ा पैसा आए, थोड़ा यार शोरूम रन हो, काफ़ी अरसे से बंद रहा है, तकरीबन कोई एक दो हफ्ते से तो बंद ही रहा है, तो इसको प्रॉपर रनिंग कंडीशन में लाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी अपनी गाड़ी सोचूंगा कोई रखूँगा प्रॉपर सी, छोड़ूंगा तो नहीं। हाँ माओ भाई अभी आप भी मतलब पता चलता है कोई प्रोटोकॉल शोल कोई मतलब कि लेवल होता है बंदे का।